नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में। मैं शिखा श्रीवास्तव IGSS की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। एक अनुमान के हिसाब से करीब 27 करोड़ या उससे ज्यादा लोग NTFP के ऊपर अपने जीवन यापन के लिए निर्भर हैं। IGSS कई स्टेट्स में इन लोगों के साथ में काम करता है। हम लोगों ने एक स्टडी की है ये समझने के लिए कि COVID-19 का उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है, वो जो काम करते हैं उनकी आमदनी पे, और आगे हम उनके साथ कैसे काम कर सकते हैं। आज के इस वेबिनार में हम लोग अपनी वो स्टडी साझा करेंगे। साथ ही हमारे बीच एक्सपर्ट्स हैं मिस्टर कृष्ण श्रीनिवासन जी और चित्रंजन पानी जी, जो कि अपने हमारे साथ अपने रिफ्लेक्शन शेयर करेंगे और सुझाव देंगे कि हम आगे कैसे काम कर सकते हैं। मेरे साथ में सुकन्या चैटर्जी हैं, जो रीजनल मैनेजर हैं हमारी ईस्टर्न रीजन की, वो अपनी स्टडी शेयर करेंगी। हमारे साथ अमर कुमार गौड़ा हैं, जो कि IGSS ईस्टर्न रीजन से हैं, वो समुदाय की तरफ से कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। उसके साथ में हमारे साथ एंथनी है, एंथनी छेत्री, जो कि हमारे लीड प्रोग्राम है और वो मेरे साथ में को होस्ट करेंगे। तो इन सब के साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन आंसर चैट बॉक्स में आप सब अपने प्रश्न लिखते जाएं। हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा समय हम लोग निकालें कि आपके प्रश्नों के उसमें उत्तर दे सके। उसके अलावा चैट बॉक्स में भी आप अपने रिफ्लेक्शन शेयर कर सकते हैं। तो अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद मैं सुकन्या से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्टडी हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद। क्या हम वो वीडियो देख सकते हैं स्क्रीन पे? आवाज नहीं आ रही है। आप सब लोग आवाज नहीं आ रही है, पर आप सब लोग पढ़ सकते हैं, वीडियो में ऊपर लिख के आ रहा है। ये हेमकांति हेमना जी के बारे में है, जो कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे डिपेंड करती हैं अपने रोजगार के लिए। इनका कहना था कि वो इस बार करीब 12,000 रुपए का उनको नुकसान हुआ है COVID-19 की वजह से, जो लॉकडाउन हुआ और उसके वजह से वो जो NTFP कलेक्ट नहीं कर पाए। तो इस छोटे से एक शेयरिंग के बाद से मैं सुकन्या जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्टडी शेयर करें। थैंक यू। थैंक यू शिखा। आई वुड रिक्वेस्ट श्वेत टू प्लीज शेयर माय प्रेजेंटेशन। Good afternoon. The next slide. जैसे कि अभी शिखा जी बोल रही थी कि NTFP सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है इंडिया में, बहुत वाइब्रेंट है पर बहुत अनरेगुलेटेड है। तो इसमें तकरीबन 275 मिलियन ऐसे सीमांत वर्ग के लोग रहते हैं जो एकदम ही वैल्यू चेन के बॉटम में है,
इसका मतलब है उन लोग जाके कलेक्ट करते हैं और लोकल हाट में बेचते हैं या फिर लोग आके उनसे खरीदते हैं। पर ये बहुत जरूरी है उनके लिए क्योंकि इससे उन्हें कैश मिलता है। पर अभी COVID-19 पैंडेमिक जैसे ही आया और लॉकडाउन हो गया तो सभी कार्य पे एक जैसे रोक हो गया और ये जो टाइम पीरियड था फरवरी मार्च अप्रैल में ये सारे पूरा एनटीएफपी सीजन की पीक, यहाँ पे मैक्सिमम एनटीएफपी कलेक्शन होता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो लगभग 8.6% पॉपुलेशन इस एनटीएफपी कलेक्शन पे अपना जिंदगी चलाते हैं, निभाते हैं, और उनके जिंदगी में ये लॉकडाउन का क्या इम्पैक्ट हुआ इसी को समझने के लिए आईजीएसएस ने एक छोटा सा असेसमेंट किया। और असेसमेंट में हमने 38 रेस्पोंडेंट से बात किया। अगर आप मैप देख सकते हैं पूरा ईस्ट से मणिपुर से लेके वेस्ट गुजरात और उसके साथ ही हम लोग थोड़ा केरल को भी इसमें शामिल किया। और ये हम लोग डायरेक्टली बात किए हमारे रेस्पोंडेंट से और हमारा कहीं कहीं पे हमारा खुद का कोलीग्स ने उनसे बात की और कहीं कहीं आईजीएसएस के पार्टनर्स ने उनसे बात करके उनका जो रेस्पॉन्सेस था उसी के बेस पे ये स्टडी आधारित है। नेक्स्ट लाइन। मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि ये जो 8.6% ऑफ द पॉपुलेशन विच इज डिपेंडेंट, इसमें 75 टाइप्स के पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स भी हैं। जो ट्राइबल शेड्यूल जो एसटी कैटेगरी है उनसे भी पिछड़ा हुआ है जो 17 स्टेट्स में और 1 यूनियन टेरिटरी में, इन लोग भी शामिल है इसमें। और जब हमने उनसे पूछा था कि फैमिली के लाइवलीहुड के सोर्स क्या है तो एग्रीकल्चर, एग्री वेज लेबर, डेली वेज लेबर, एनटीएफपी कलेक्शन, इसमें से 70% एनटीएफपी में तो इन्वॉल्व है ही, इनके साथ एग्रीकल्चर और बाकी डेली वेज लेबर और एग्री लेबर भी है। एक चीज यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है वो है कि ये 4 या 5 चीज से भी उनका जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजरती है। ऐसे नहीं कि ये 5-6 टाइप्स ऑफ लाइवलीहुड से उनका अच्छा से रहन सहन होता, नहीं, इसके डिस्पाइट ये 5 टाइप के सोर्सेज ऑफ इनकम उनका जिंदगी बहुत मुश्किल से ही गुजरती है। और इसमें से एनटीएफपी बहुत रेम्यूनरेटिव है, कम पैसा मिलने से भी वो इंस्टेंट पैसा मिलता है। इस पैसे को लेके उन लोगों का जीवन के बहुत सारे खर्चे है यूज होता है, या फिर अगर छोटा मोटा कुछ एग्रीकल्चर कर भी लेते हैं उनके लिए इनपुट्स यहीं से मिलता है उनको। और 25% से लेके 50-55% ऑफ देयर फैमिली एनुअल इनकम इज फ्रॉम एनटीएफपी कलेक्शन। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। तो जैसे आप लोगों को मालूम है कि 11th मार्च 2020 पे जैसे ही WHO ने इसको पैंडेमिक डिक्लेयर किया, एक के बाद एक वेरियस कंट्रीज ने अपना अपना रूल्स लागू किए। फिर इंडिया में तो फिर शुरू हुआ लॉकडाउन। तो हमने जब पूछा इनसे कि COVID-19 पैंडेमिक के बारे में आप क्या जानते हो, तो पता चला कि इन लोग काफी हद तक इनका इंफॉर्मेशन है, इनका सोर्स है पंचायत, आंगनवाड़ी सेंटर्स, ANMs, कम्युनिटी न्यूज, स्कूल टीचर। महामारी वर्ड बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे, कोरोना वर्ड ज्यादा यूज कर रहे थे। और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज जो नजर हम लोगों को नजर में रखना चाहिए कि हम जहाँ पे रेस्पोंडेंट से बात किया था वो सारे जगह रिमोट एरिया है, क्योंकि IGSS और हमारे पार्टनर्स हम लोग वैसे जगह पे काम करते जहाँ पे जनरली और कोई ऑर्गेनाइजेशन ना हो, रिमोट अनरीच्ड एरियाज में। तो एक ये अच्छी बात थी कि हमारे जो ग्रास रूट जो भी सिस्टम्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये इंफॉर्मेशन तो वहां तक पहुंचाने पे सक्सेसफुल थे। ओके, नेक्स्ट लाइन। तो नेचुरली लाइवलीहुड जैसे ही अफेक्टेड हुआ तो उनका जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस आए, जैसे डिफिकल्टी इन कलेक्शन, मार्केट्स तो एकदम ही बंद हो गया, स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं थे,
बायर्स आते थे या फिर उन लोग लोकल हाट में बेचते थे जहाँ पे बिचौलिया मिडल मैन आते थे या ट्रेडर्स आते थे ब्लॉक से, सब बंद हो गया. एक आध बायर आ भी गए तो वो भी बहुत ही कम प्राइस ऑफर कर रहे थे. तो और इसके साथ साथ जो हमें ख्याल में रखना पड़ेगा, इट्स नॉट जस्ट एनटीएफपी, बाकी जो भी जरिया था इनकम का वो भी बंद हो गया. आप किसी के खेत पे काम करते थे, उसके पास कैश नहीं, इसीलिए वो हायर करना बंद कर दिया, मनरेगा बंद हो गया, आप कहीं जा नहीं पा रहे, वो बंद हो गया. तो चारों तरफ से इनकम अर्निंग ऑप्शंस बंद हो गए. नेक्स्ट लाइन. यहाँ ये कुछ उन्होंने शेयर किया था उन्हीं के जबानी, जैसे बायर्स ऑफ टिमरू आए नहीं तो मैं टिमरू फॉरेस्ट में जाके कलेक्ट नहीं कर रही हूँ. पॉसिबल है कि उनके पास स्टोरेज नहीं है, वो खराब हो जाएगा. यहाँ करला मुंडा से भी वही बोल रही है कि मेरे पास फैसिलिटीज नहीं है. तो एक चीज है कि जब ये मार्च के एंड में जब लॉकडाउन आया था, बहुत लोगों ने आधा हार्वेस्टिंग कर चुका था, कुछ बेचे थे कुछ घर में था, तो सब घर में ही क्वालिटी उनका डिटोरिएट हो गया या फिर पेड़ में ही वो स्पॉइल हो गए, कोई कलेक्ट करने गया नहीं. तो नेक्स्ट लाइन. जैसे ये लाखों देवी कह रही है, ये लैक ऑफ हार्ड कैश इज रियली हर्टिंग आवर लाइवलीहुड. मिडलमैन जो भी आ रहे हैं बहुत ही कम पैसों में लेके जा रहे हैं और हमारे पास और कोई चारा है तो नहीं, या उनको बेचे या फिर वो खराब हो जाए. नेक्स्ट लाइन. ये और सारे लोगों का रिएक्शंस थे कि सिर्फ एक नहीं, दो तीन चार पांच टाइप के एनटीएफपी लोग बेचते थे, अभी कोई बायर आया ही नहीं. केरल में हम लोग वायनाड में कुछ रेस्पोंडेंट से बात किए थे, तो वहां पे एक जो बेच कलेक्शन और बेचने का जो सेंटर है वो चल रहा था पर लोग नहीं जा रहे थे, तो हालत एक ही रहा. फिर नेक्स्ट. अभी हमने पीवीटीजी का जिक्र किया था कि 75 टाइप्स ऑफ पीवीटीजी आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन एनटीएफपी कलेक्शन. तो ये हमारे पार्टनर है गरियाबंद में, उनके एरिया में भुंजिया ट्राइब्स है जो बहुत ही सिकुड़े हुए थे, उन लोग मिलते नहीं थे. अभी जो सोच रहे हैं बाहर जाने में, थोड़ा एनटीएफपी कलेक्शन करके बेचे, तो वो भी बंद हो गया है. तो उन लोगों का स्पेशल मांग था कि भुंजिया लोग के लिए भी कुछ स्पेशल सोचे गवर्नमेंट. नेक्स्ट लाइन. ऐसे हमारे पास बहुत बहुत रिएक्शंस आए हैं कि एवरेज में दिखा जा रहा है कि 55% इनकम लॉस हुआ है. और ये एक चीज है, ये ज्यादा इम्प्यूटेड है क्योंकि ये हम लोग जब सर्वे किया था ये मिड पॉइंट था. सिर्फ एक नहीं, दो तीन टाइप के हम कुछ कलेक्ट करके बेचते थे, वो अभी नहीं हो रहा है. हम सियाली लीफ कलेक्ट करके प्लेट बना के बेचते थे, अभी होटल्स बंद है तो कौन खरीदेगा हमसे. और इसके अलावा और भी कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे पहले, जैसे हमारा दलहन का पूरा खेती खराब हो गया. अभी इसके बाद क्या हुआ कि कोई फार्मर्स भी हायर नहीं कर रहे हैं, तो वहां से भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मनरेगा भी स्टॉप हो गया है, मैं एनटीएफपी कलेक्शन के लिए भी नहीं जा सकती. तो सब मिला के देयर वाज अ वेरी शार्प लॉस इन इनकम. नेक्स्ट लाइन. हर कोने से, चाहे आप गिरिडीह देख लीजिए या कालाहांडी देख लीजिए, कांकेर देख लीजिए छत्तीसगढ़ में, हर जगह से सिर्फ लॉस के हिसाब ही निकल रहे थे. साइड बाय साइड और बहुत कुछ भी इम्पैक्ट हो रहा था. जैसे ये मैरिज का सीजन है, कांकेर से हमें मंगनो बाइक ने शेयर किया, तो यहाँ पे एनिमल्स अच्छा आमदनी होता है यहाँ पे, वो भी बंद हो गया. फिर हमें किसी ने बताया था कि ये सीजन में इनकम से वो अपना डेट्स मनी लेंडर को देना चाहते थे, वो भी बंद हो गया. तो ये एक रिस्पांस आया है, पर हमें लगता है कि ऐसे बहुत लोगों का डेट्स बहुत इंक्रीज हो गया होगा. नेक्स्ट स्लाइड. आखिर में जैसे
ये रमेश दुग्गा जी कह रहे थे कि हम घर पे ही सीमित रह गए, सारे ऑप्शन बंद हो गए, तो इसमें हमारा पूरा सर्वाइवल का ही एक क्वेश्चन हो गया। ये चीज हमें बार 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 हर प्रांत से सुनने को आए। नेक्स्ट लाइन मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में यहाँ पे सिर्फ 5 लोग सुने थे और वो भी कालाहांडी और नवरंगपुर में। मेजोरिटी ऑफ लोग सुने नहीं थे और उन लोग लोकल हाट में बेचते थे, बिचौलिया आते थे या बायर्स आते थे। प्राइस के बारे में भी उन लोगों को मालूम नहीं था कुछ। नेक्स्ट लाइन। Just go back to the previous slide. I think we skipped a point. Yeah. Those of them who have heard of the primary procurement centers, only I think Navrangpur mein log jante the aur lockdown se pehle shayad access kiya tha. Baki jagah pe sune nahi the aur jo bhi sune the wo bahut dur mein tha. Jaise in Jhabua ne bataya ki 190 kilometers dur Indor mein hai. गरियाबंद में एक रेस्पोंडेंट ने बोला, हाँ सुना है तो ऐसा सेंटर है पर वो 300 किलोमीटर दूर कोरबा डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये नॉर्मल टाइम में भी या सुने नहीं या एक्सेस करना नामुमकिन था। नेक्स्ट टाइम। काफी सारा चैलेंजेस हुए एक्सेसिंग बेसिक सपोर्ट, जैसे घर में खाना कम हो गया, दुकान कम टाइम के लिए खुले थे, स्टॉक्स नहीं थे या फिर कम स्टॉक्स थे, फिर महंगा हो गया सब कुछ, फिर आपका बड़े मार्केट जो थे वहां पे जाना मुश्किल था, मेडिसिन की दुकान बंद थे, ज्यादातर डॉक्टर्स अगर जिनके पास सीरियस इलनेस थी वो डॉक्टर्स के पास नहीं जा पा रहे थे। नेक्स्ट लाइन। पीडीएस से सभी को मिला राशन पर प्लेस टू प्लेस बहुत ज्यादा वेरिएशन था और कहीं कहीं पे एक ही स्टेट में वेरिएशन था बहुत, आइटम का वेरिएशन, फ्रीक्वेंसी का भी वेरिएशन। मिड डे मील, ICDS ये भी मिला था, एक आध जगह छोड़ के बाकी जगह पे मिला था। जैसे हमारे संजनी माझी ने शेयर किया कि क्वांटिटी जो मिला था वो सफिशिएंट नहीं है, उनके लिए लगता है कि 6 kg मिलेट, 6 kg दाल, 1 liter तेल, स्पाइसेस, मसाला ये सब चाहिए, पर शायद मिल रहा था राइस और उसके साथ एक आध जगह पे 1 or 2 आइटम्स मोर। नेक्स्ट लाइन। हमने एक्सेस टू सैनिटेशन के बारे में पूछा था बट मेनली हाथ धोने के लिए साबुन, पानी और सैनिटाइजर। तो ज्यादातर जगह सभी ने बोला हाँ सैनिटाइजेशन है, मिला है आंगनवाड़ी से, कभी कभी एनजीओ से मिला है, लोकल शॉप से मिला है, पर कितना यूज करते थे ये एक सवाल है। क्योंकि देखिए किसी ने बताया कि मिला है तो यूज कर ले पर ये हमारा आदत नहीं है, दूसरे जगह में उन्होंने बोला किसी ने दिया था हमने यूज किया खत्म हो गया। फिर जैसे तालो मरांडी ने बोला कि ये बहुत दूर में है और हम लोग खाने के लिए घर के काम के लिए पानी लाते हैं तो बचा बचा के रखते हैं, भाई हाथ धोने में बार बार हाथ धोने में हम यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। मेजोरिटी के पास पीएचसी के एक्सेस नहीं था, फंक्शनल नहीं थे, बंद थे या फिर उन लोग खुद ही प्रेफर करते थे कि ब्लॉक के अस्पताल में जाए, जो जाना नामुमकिन था इस लॉकडाउन में। नेक्स्ट लाइन। अच्छा, रोल ऑफ पंचायत, इसमें और एक चीज हम बता दें कि रोल ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स के बारे में भी हमने पूछा था, क्योंकि ये सारे जगह फॉरेस्ट एरिया है या फॉरेस्ट एरिया के पास में है, कुछ खास नहीं था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कुछ रोल अवेयरनेस कुछ, एक्सेप्ट इन वायनाड, पर वो था वहां पे मंकी फीवर हो रहा था तो उसके लिए जानकारी। और रोल ऑफ पंचायत में ज्यादा तो लोग बोले उन लोग सैटिस्फाइड थे क्योंकि खाना मिल रहा था, और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है उनको खाना मिल रहा था जिनके पास कार्ड नहीं है, तो इसीलिए हम खुश हैं। फिर अवेयरनेस दे रहे थे कोविड के ऊपर और पैंडेमिक को प्रिवेंट करने के लिए लॉकडाउन, क्योंकि हम लोग बहुत जगह पे देखा था कि गांव में खुद अपना गाइड्स रूल्स बना रहे थे कि कोई अंदर ना आए,
नेक्स्ट स्लाइड। ओके, हमने बहुत जल्दी, हम अभी लास्ट स्लाइड में आ गए हैं। टॉप प्रायोरिटीज क्या हो सकता है सरकार के पास, आपका क्या निवेदन हो सकता है ये पूछा, तो हमने देखा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लगा, द नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेज विच हैज कम इज फॉर नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर। इनका मार्केटिंग ठीक करिए, इनका प्राइस ठीक करिए, प्राइस बढ़ा दीजिए क्योंकि हमें बहुत लॉस हुआ है, प्रोक्योरमेंट सेंटर्स को खोल दीजिए, प्लकिंग सीजन बढ़ा दीजिए, हमें स्टोरेज फैसिलिटीज चाहिए। दूसरा नंबर पे था इनकम सिक्योरिटी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज था कि अभी हमको कुछ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था करिए, इमीडिएट लोकल होना चाहिए, महिलाओं के लिए होना चाहिए, और पेमेंट, खास करके पेमेंट भी जल्दी होना चाहिए, ना कि 6 महीने बाद। प्रायोरिटीज रिलेटेड टू कोविड 3 नंबर पे था कि अच्छा टेस्टिंग हो, अच्छा पीपीई मटेरियल्स हो, और लास्ट में था फूड सिक्योरिटी फॉर फैमिली। बेसिकली ये था कि क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ सपोर्ट थ्रू पीडीएस को बढ़ाना चाहिए, उसके साथ और अन्य इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स भी होना चाहिए। लास्ट स्लाइड। ये अभी जो पैंडेमिक हुआ है, वी आर स्टिल विथ पैंडेमिक, ये पैंडेमिक गुजर नहीं गए हैं, हम उसी के साथ जी रहे हैं, और ये कब खत्म होगा, और इनका जो इतना कॉम्प्लेक्स जो इफेक्ट इकोनॉमी में पड़ रहा है, हर कोने में पड़ रहा है, कहां जाके खत्म होगा ये हमें अभी मालूम नहीं है। पूरा चीज बहुत ही डायनेमिक और अनसर्टन है। तो हमें हमारा जो एनटीएफपी पॉलिसी फ्रेमवर्क में जो था, एमएसपी था, आपका प्रोक्योरमेंट सेंटर्स था, ये सारे इमीडिएट शॉर्ट टर्म मेजर्स है, और लॉन्ग टर्म में मार्केट को डेवलप करना हम लोग क्लियरली देख रहे हैं, जहाँ की ग्रास रूट्स में वर्कर्स जाके कोविड के बारे में बता सक रहे हैं, वहां पे प्रोक्योरमेंट सेंटर्स के बारे में मालूम नहीं, एमएसपी के बारे में मालूम नहीं, तो वो सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो हमें अभी जो भी सोचना है आगे, इमीडिएट और लॉन्ग टर्म सोचना है, तो वो नए सिरे से सोचना पड़ेगा, वो पुराने चीज को लेके उस पर कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस करने से मुझे लगता नहीं वो बहुत यूजफुल होगा। और इसी से हम खत्म करना चाहते हैं, आगे हमारे एक्सपर्ट से हम सुनेंगे। तो थैंक यू। थैंक यू सुकन्या शेयर करने के लिए। यहाँ पे अभी हम लोग चैट बॉक्स में लिंक शेयर करेंगे आप सब लोगों के साथ में, जो स्टडी हमारी वेबसाइट पे अपलोडेड है, आप सब लोग उसको रेफर कर सकते हैं और उसको डिटेल में देख सकते हैं। अब मैं और साथ में मैं सारे पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आपके जो भी प्रश्न हो प्लीज क्वेश्चन आंसर उसमें डालते जाए, क्योंकि हम लोगों ने करीब आधे घंटे का समय रखा है कि आपके क्वेश्चंस को हम ले सकें और जो हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं वो उनको आंसर कर सकें। तो अब मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपने एक्सपर्ट को बुलाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं इन्वाइट करना चाहती हूँ मिस्टर कृष्ण श्रीनिवासन जी को। कृष्ण श्रीनिवासन जी को करीब 20 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है पॉलिसी और एडवोकेसी पे काम करने का। ये फॉर्मर कोऑर्डिनेटर एनटीएफपी एक्सचेंज प्रोग्राम साउथ एंड साउथ एशिया नेटवर्क के रह चुके हैं। ये बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए थे, जैसे कि प्रोग्राम डायरेक्टर ऑफ इकोनेट रह चुके हैं, कंसल्टेंट एनवायरमेंटल लॉ एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन बोथ एंड और स्विस एड वगैरह के साथ काम करना कर चुके हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि अगर कृष्ण जी आप थोड़ा सा प्रकाश डाल सकते हैं कि एनटीएफपी पॉलिसी जो एग्जिस्टिंग है और उसमें क्या गैप्स हैं, और इस COVID-19 सिचुएशन में हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो कृष्ण जी आपके आपके पास में अब माइक है, आप कृपया बात अपनी बात रख सकते हैं। थैंक यू। Thank you, Shiva ji, and thank you, Sukanya ji, for one interesting presentation. मैं share कर रहा हूँ, मेरा screen share कर रहा हूँ, just a few seconds. Is it visible सबको? जी, screen दिखाई दे रही है, but अभी उसपे कोई content, हाँ अब आ गया, presentation दिखाई दे रहा है. Yeah. Okay. थोड़ा रिक्वेस्ट है, थोड़ा और जोर से बोलिएगा। या या श्योर। थैंक यू। हेलो, एम आई ऑडिबल, सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? हेलो, सुनाई दे रही है मेरी आवाज? जी सुनाई दे रही है। ओके,
सो मैं कोशिश करूंगा कि एनटीएफपी पॉलिसी का एक थोड़ा एक ब्रीफ हिस्ट्री कि कैसे इवॉल्व हुआ है यानी कैसे बदला है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और फिर उसमें गैप्स क्या हैं और कोविड 19 का ये जो पैंडेमिक है उसको जोड़ते हुए आगे की स्ट्रेटेजी या रणनीति क्या हो सकती है तो आई जस्ट ट्राई ब्रीफली टॉक अबाउट दैट. सबसे पहले अगर ये देखें कि एनटीएफपी क्या है. अभी जैसे सुकन्या जी ने शेयर किया कि बहुत से लोगों ने बताया कि एनटीएफपी किस तरह से उनके लाइवलीहुड से जुड़ा हुआ है और किस तरह से दिक्कतें आ रही हैं एनटीएफपी को या वनोपज को एक्सेस करने में, उसे बेचने में और उसके लिए जो सेंटर्स हैं. तो एनटीएफपी अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, एक स्टेप पीछे जाएं और समझने की कोशिश करें कि एनटीएफपी है क्या, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों उसका महत्व इतना है लोगों के जीवन में, स्पेशली जो आदिवासी समाज है और जो जंगल आधारित जो समाज है उनके लिए एनटीएफपी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है. तो कुछ एक जो डेफिनेशंस या जो परिभाषाएं दी गई हैं एनटीएफपी को लेकर के वो मैंने सिर्फ इसमें हाईलाइट की है. मे बी अभी शायद वो पढ़ना ठीक नहीं होगा लेकिन सिर्फ मे बी एफआरए जो हमारा भारत का जो इंडिया का जो लॉ है उसमें जो एनटीएफपी का जो परिभाषा दिया है, डेफिनेशन दिया है, उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि वो सभी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट मतलब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नाम दिया है उन्होंने. अगर हम देखेंगे तो हमारे भारतीय इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में एनटीएफपी को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहा जाता है यानी गौण वनोपज, उसको गैर कास्ट वनोपज या गौण वनोपज कहा जाता है. तो उसमें नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ प्लांट ओरिजिन यानी जो भी पेड़ पौधों से निकला हुआ जो भी हमारा एनटीएफपी है या वनोपज है उसको एफआरए ने डिफाइन किया है एज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. और अगर हम भारत इंडिया का पॉलिसी पूरा लैंडस्केप देखेंगे, लॉ का लैंडस्केप देखेंगे, तो पहली बार एफआरए में यानी 2006 में एनटीएफपी का डेफिनेशन बाहर निकल के आया है और वो उसे सामने रखा गया. उसके पहले एनटीएफपी का डेफिनेशन उस तरह से लीगली कहीं उपलब्ध नहीं था. ऊपर के जो दो डेफिनेशन है वो अगर उसके ऊपर का इमीडिएटली एफआरए के ऊपर का जो डेफिनेशन है वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूएन बेस्ड यूएन का ऑर्गेनाइजेशन है उसका डेफिनेशन है. तो वो लोग एनटीएफपी को नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स बोलते हैं और नॉन वुड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें फायरवुड जो है, फ्यूअल वुड जो हमें हमारे चूल्हों के लिए जो लगता है, जलाव लकड़ी जो लगती है, वो उसमें इंक्लूडेड नहीं है. और उस वजह से वो काफी कंट्रोवर्शियल भी डेफिनेशन है स्पेशली इंडिया जैसे देश में और दूसरे जो साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं वहाँ उसको लेकर के काफी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या दिक्कतें हैं कि ये आप फ्यूअल वुड को आप कैसे एनटीएफपी में नहीं इंक्लूड कर रहे हैं. सो वो एक डेफिनेशन है. और एक जो सबसे एक पुराना एक डेफिनेशन था दो वो रिसर्चर्स ने उसके ऊपर पहले काम किया था येने डेबियर और मैकडॉर्मट करके हैं 89 का डेफिनेशन. उसमें उन्होंने ऑल बायोलॉजिकल मटेरियल यानी जितनी भी जैविक सामग्री है जो जंगलों से उपलब्ध है और लोग उसे अपने जरूरियात के लिए लेते हैं और इसमें ध्यान रखने वाली चीज ये है कि उन्होंने सभी जैविक मटीरियल बोला है यानी इस डेफिनेशन में इवन एनिमल पार्ट्स यानी जो प्राणियों से निकलने वाली जो चीजें हैं वो भी इसमें शामिल है इस डेफिनेशन. लेकिन अगर आप एफआरए को देखेंगे तो एफआरए में सिर्फ प्लांट ओरिजिन यानी जो पेड़ पौधों से निकलने वाली जो वनोपज है उसी को लिया गया है. तो ये एक थोड़ा समझने की जरूरत है. इसलिए मैंने व्हाट आर एनटीएफपीज यानी एनटीएफपीज क्या है. और एक जो एस्पेक्ट जो है एनटीएफपीज का जो हमें हमारे काम के हिसाब से क्योंकि हम सभी अलग अलग क्षेत्रों में आदिवासी समाज के साथ और जंगल आधारित समुदाय के साथ काम करते हैं तो एनटीएफपीज की विशेषताएं अगर हमें समझनी हो उसकी क्या फीचर्स हैं
तो ये थोड़ा एक प्रेजेंटेशन माने ये एक थोड़ा अटैक लाइक इमेज में प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है. ये एग्जॉस्टिव नहीं है और भी बहुत से पहलू इसके हो सकते हैं. ये एक रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ छोटा सा. तो सबसे पहले अगर उसमें देखें तो सोशल एस्पेक्ट्स है, यानी एनटीएफपी जो है वनोपज जो है उससे जुड़े हुए अलग अलग उस समाज के अलग अलग घटक हैं और अलग अलग घटक उस एनटीएफपी के साथ अलग तरीके से रिलेट करते हैं. यानी सबसे ज्यादा एनटीएफपी महिलाएं इकट्ठा करती हैं, तो महिलाओं और एनटीएफपी का जो संबंध है और उसमें फिर उसके अलग अलग पहलू या उसके जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं कि महिलाओं का एक्सेस कितना है यानी पहुंच कितनी है फॉरेस्ट में, महिलाओं का स्किल डेवलपमेंट, महिलाओं के लिए टेक्निकल टूल्स का उपलब्ध होना, महिलाओं के लिए एंटरप्राइज डेवलपमेंट स्पेसेस या अपॉर्चुनिटीज या संधियां उपलब्ध होना. सो हर एक घटक को लेकर के अगर हम देखेंगे तो एनटीएफपी के साथ का रिलेशनशिप बदलता जाता है. अब जैसे मेन है, सो कुछ एक एनटीएफपी जो है कुछ एक वनोपज है जो बहुत एक्सक्लूसिवली पुरुष जो है वही इकट्ठा करते हैं. जैसे हनी है, हनी हनी जो है वो हनी हार्वेस्टिंग मेनली मेन ग्रुप्स करते हैं. तो उसको लेकर के क्या एंटरप्राइज डेवलपमेंट, उसको लेकर के स्टोरेज, उसको लेकर के क्वालिटी कंट्रोल, यू नो. सो एज सोशल ग्रुप बदलेगा उसके उसके साथ के जो जुड़े हुए जो अलग अलग पहलू हैं वो चेंज होते जाएंगे. और एक जो सामाजिक जो उसका पहलू है वो है हेल्थ. ये बहुत बड़ा एनटीएफपी से जुड़ा हुआ पहलू है क्योंकि एनटीएफपी में हम देखेंगे कि मेडिसिनल प्लांट्स यानी जो वन औषधियां हैं वो भी एनटीएफपी का ही पार्ट है और वो उस आदिवासी समाज और जंगल आधारित समुदाय के साथ उनके हेल्थ को लेकर के जुड़ी हुई बहुत बड़ी बहुत बड़ा एक स्पेस है हेल्थ एनटीएफपी एंड द कम्युनिटीज का. उसी से लग के है न्यूट्रिशन. अगर आप उन इलाकों में आप आदिवासी समाज और जंगल आधारित समुदाय से बात करेंगे तो स्पेशली महिलाएं हमें बताती हैं कि किस तरह से जंगलों से हम अलग अलग भाजियां लेके आते हैं, यानी हरी पत्तियों वाली भाजी जो होती है वो लाते हैं, या कंद है या मूल है, और जो हमारे फूड का फूड सिक्योरिटी का पार्ट है और वो एक बहुत बड़ा फूड फ्रॉम द वाइल्ड या वाइल्ड फूड्स का जो पूरा एक स्पेस है एनटीएफपी के साथ जुड़ा हुआ. तो ये एक पूरा स्पेस, ये एक पूरा पहलू है सामाजिक जो पहलू है जो उनके हेल्थ न्यूट्रिशन और अलग अलग सोशल ग्रुप्स के साथ जुड़ा हुआ. उसी तरह से अगर हम देखेंगे इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक्स अगर देखते हैं तो जैसे सुकन्या जी भी बता रहे थे कि बहुत बड़ा कैश इनकम का सोर्स है और ये कैश इनकम उस समय उपलब्ध होता है जब और कोई काम उपलब्ध नहीं, यानी एग्रीकल्चर का कोई और काम उपलब्ध नहीं है. लेकिन एनटीएफपी उस समय अगर आप एनटीएफपी का सीजन अगर हम देखें तो गर्मियों का सीजन है और गर्मियों के सीजन में ज्यादातर खेती के काम बहुत कम होते हैं या नहीं के बराबर होते हैं. सो जंगल आधारित समुदाय जो है उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम कैश इनकम हो जाता है अगर कैश इनकम का एनटीएफपी हो जाता है. तो ये एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ कैश इनकम है. उसी तरह से उसका जो लाइवलीहुड है, जो अलग अलग स्टडीज जो किए हैं अलग अलग लोगों ने, अलग अलग संस्थाओं ने, रिसर्चर्स ने, 20-40% जो पूरा लाइवलीहुड एक फैमिली का, स्पेशली वो समाज जो जंगल के पास रहता है, उसका पूरा 20-40% लाइवलीहुड जंगलों से, जंगलों के ऊपर आधारित. इसीलिए फिर और जैसे सुकन्या जी ने पहले ही स्लाइड में बताया कि पूरा जो उनका एनटीएफपी का जो मार्केट है बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन एट द सेम टाइम वो मार्केट बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है. यानी बहुत से उसमें एक्टर्स हैं और उसका जो वैल्यू चेन है यानी हार्वेस्टर से लेकर के जो ट्रेडर है और फिर पहले वाला ट्रेडर, फिर दूसरा ट्रेडर, फिर जैसे जैसे वैल्यू चेन आप देखते जाएंगे किसी भी एनटीएफपी का, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटीज उसमें अलग अलग एक्टर्स, अलग अलग लीगल प्रोविजंस, अलग अलग फैसिलिटीज ऑफ स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब ऐड होते जाते हैं. उसका जो मार्केट है उसके जो अलग अलग डायनेमिक्स हैं अलग अलग एनटीएफपी प्रोडक्ट्स के साथ चेंज होते जाते हैं. तो वो एक बहुत बड़ा स्पेस है इकोनॉमिक्स को लेकर के.
और उसी तरह से एंटरप्राइज डेवलपमेंट यानी फॉरेस्ट बेस्ड एंटरप्राइज डेवलपमेंट के लिए एनटीएफपी एक बहुत कॉन्क्रीट अपॉर्चुनिटी है, कॉन्क्रीट संधि है, स्पेशली आदिवासी समाज और जंगल आधारित समुदाय के लोगों के लिए। तो वो एक उसमें देखने वाली बात है कि इकोनॉमिक्स का पूरा जो पैकेज है उसमें इकोलॉजिकल एस्पेक्ट यानी पर्यावरणीय जो उसके पहलू है एनटीएफपीज के पर्यावरणीय पहलू, तो उसमें फिर कंजर्वेशन आ जाता है यानी उसका हम संगोपन कैसे करेंगे, उसके कोई एनटीएफपी स्पीशीज हमारे यहाँ कम हो रही है तो कैसे हम रीजनरेशन के प्रोसेसेस करेंगे, उसका मैनेजमेंट किस तरह से होगा। उसी से जुड़ा हुआ है कि एनटीएफपीज का हार्वेस्टिंग प्रोटोकॉल्स यानी किस तरह से कोई भी चीज हार्वेस्ट की जाएगी, निकाली जाएगी जंगल से। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेडिसिनल प्लांट्स है, वन औषधि है, वन औषधि का अगर किसी वन औषधि का रूप उसका जो मूल है वो उपयोग में आता है कोई दवाई बनाने के लिए, तो अगर हम मूल में से वो पूरा निकालेंगे तो वो पूरा स्पीशीज खत्म हो सकता है। तो वो हार्वेस्ट प्रोटोकॉल क्या होगा कि वो स्पीशीज भी खत्म नहीं हो, वो प्रजाति जो है वो खत्म भी ना हो और हमारी जो यूज है वो भी बरकरार रहे। तो वो हार्वेस्टिंग प्रोटोकॉल की जो बात है ये पूरे पर्यावरण के दृष्टिकोण से वो एक बहुत बड़ा पहलू है एनटीएफपी को लेकर के। उसी तरह से पॉलिसी और लॉ, ये आगे की स्लाइड में बात करूंगा मैं कि उसका जो चेंज जिस तरह से हुआ है एवोल्यूशन, अलग अलग जो उसके चेंजेस जो हुए हैं पॉलिसी में, तो वो एक बहुत बड़ा स्पेस है एनटीएफपी से जुड़ा हुआ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनटीएफपी से जुड़ी हुई कल्चरल जो एस्पेक्ट है यानी उनकी जो संस्कृति से जुड़े हुए बहुत से एनटीएफपीज हैं, उसका क्लासिक एग्जांपल और हर आदिवासी क्षेत्र में देखने को मिलता है इस महुआ। महुआ एक ऐसी चीज है कि बहुत से आदिवासी समाज में आप जाएंगे और बातचीत करेंगे तो पता चलता है कि जब छोटा बच्चा जब जन्म को आता है तब पहला जो ड्रॉप है महुआ का दिया जाता है, या अलग अलग जो संस्कृति जो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है उसमें महुआ का बहुत उपयोग है। उसी तरह से अलग अलग प्लांट स्पीशीज टोटेम्स हैं यानी किसी फैमिली के लिए या किसी समाज के लिए कुछ प्रजाति जो है वो आइदर प्लांट की हो सकती है या प्राणी की हो सकती है, उसको वो हंट नहीं करेंगे या उसको तोड़ेंगे नहीं, और उस तरह से उसका कंजर्वेशन से लिंकेज है। और सेक्रेट ग्रोव्स, बहुत सी जगहों पर जो देवराई जो हम कहते हैं देवबनी या देवराई जो देव के नाम पे या उनके जो भगवान है उनके नाम पे छोड़ा हुआ जंगल है, बहुत सी जगहों पे एनटीएफपी बहुत ज्यादा उधर पाई जाती है या एनटीएफपी की कुछ स्पीशीज जो दूसरे इलाकों में नहीं मिलती है सेक्रेट ग्रोव्स में, ये पूरा उसका कल्चरल जो पहलू। और हर एक पहलू इस अ वेब, मकड़ी का जाल है, आप कोई भी पहलू में एंटर करेंगे तो बाकी के जो पहलू है उसमें आप हस्तक्षेप ऑटोमेटिकली होगा और उसमें आप उसका असर दूसरे पहलुओं पे होगा। सिमिलरली ओके नाउ कृष्णा जी सॉरी 5 मिनट है आपके पास और थैंक यू। पॉलिसी इवोल्यूशन को अगर हम देखें या पॉलिसी किस तरह से चेंज हुई है, तो अगर हम ब्रिटिश कालीन समय की बात करें तो उस समय और फिर इवन पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी जब हमें स्वातंत्र मिल गया उसके बाद भी बहुत ज्यादा फोकस रहा जंगल मैनेजमेंट का प्रोडक्शन के ऊपर, यानी किस तरह से हमारा प्रोडक्शन बढ़े, हमें जंगल में से जो लकड़ी मिल रही है उसकी ओर से हमें आमदनी इकट्ठी हो, तो वो ज्यादा फोकस रहा है। और कमर्शियली इंपॉर्टेंट जो एनटीएफपीज रहे हैं जैसे तेंदू है, तेंदू पत्ता या केंदू पत्ता है या बैम्बू है, उसके ऊपर फोकस रहा है। लेकिन जो बाकी की जो एनटीएफपीज है उतना उसके ऊपर फोकस पॉलिसी में दिया गया नहीं है अगर हम हिस्ट्री के उसमें देखें। 1988 में जब पहली बार फॉरेस्ट पॉलिसी आती है उसमें इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो है उसके ऊपर लोगों का पहले चार्ज होना चाहिए, इसके ऊपर बातचीत शुरू होती है 88 में। यानी आप देख सकते हैं कि हमें इंडिपेंडेंस मिला है 1947 में और 1988 में पहली बार फॉरेस्ट पॉलिसी में हम लोगों के साथ जुड़े हुए जो एनटीएफपीज हैं उसकी बात हो रही है कि उसके ऊपर हमें पॉलिसी बनानी है, और फिर उसमें से जेएफएम प्रोग्राम
जो है स्कीम है वो बाहर निकल के आता है। उसके बाद और एक जो बहुत महत्वपूर्ण जो एक माइलस्टोन है वो है पेसा, यानी जो पंचायत एक्सटेंशन एक्ट जो आया 96 में, शेड्यूल 5 एरियाज के लिए है ये कानून है, ये पॉलिसी नहीं है। तो इसके अंदर पहली बार ओनरशिप यानी एनटीएफपी के ऊपर मालिकाना अधिकार की बात की गई है ग्राम सभा को ध्यान में रखें। तो यहाँ से 96 ऑनवर्ड्स ओनरशिप राइट्स के बारे में बातचीत शुरू होती है, एक समझ बननी शुरू होती है पूरे कंट्री में, और ये फिर परिपक्व होती है, मच्योर होती है एफआरए के रूप में 2006 में, जब एनटीएफपी को डिफाइन किया जाता है, उसके ऊपर ओनरशिप राइट बहुत ही स्पष्ट तरीके से डिफाइन की जाती है। ओनरशिप राइट क्या है, उसका पूरा स्ट्रक्चर, उसका मैकेनिज्म, उसका इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, वो सभी हमें एफआरए में देखने को मिलता है। उसी से उसी के साथ ही जब आगे हम बढ़ते हैं तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एक पॉलिसी फ्रेमवर्क सामने आता है जो 2012 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां से शुरू होता है कि जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को मिलता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वैसे एनटीएफपी को भी मिलना चाहिए, और फिर वहां से ये पूरा पॉलिसी फ्रेमवर्क और उसका ये स्कीम निकल के आता है। और फिर आगे आता है कि वन धन योजना जो अभी शुरू है, वो एक जेएफएम जो 1990 में आया था उसी का एक काइंड ऑफ एन इवॉल्व्ड स्ट्रक्चर है या ऑलमोस्ट वही स्ट्रक्चर है। तो ये कुछ, और फिर लास्ट में अगर देखते हैं उसी से जुड़ा हुआ है ग्रीन इंडिया मिशन है, कैंपा है, कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड, इस तरह के जो कानून आए हैं और इस तरह के जो पॉलिसी फ्रेमवर्क्स भी हमें इसमें देखने को मिलते हैं। अगर मैं वेरी क्विकली आई विल गो थ्रू द गैप्स, सबसे पहले ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि पॉलिसी और लॉ के बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट है। यानी पॉलिसी जो है एनटीएफपी को लेकर के हो या फॉरेस्ट को लेकर के हो, वो अगर उसके तहत अगर कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जैसे जेएफएम है, तो जेएफएम 1988 पॉलिसी के तहत बना हुआ प्रोग्राम है और उसके तहत एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। लेकिन अगर हम एफआरए देखते हैं तो एफआरए में राइट्स दिए हैं, राइट्स रिकॉग्नाइज किए हैं और फिर एक पूरा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है। तो वो पॉलिसी और वो लॉ का कॉन्फ्लिक्ट वहां से शुरू हो जाता है, और वो कॉन्फ्लिक्ट और वो गैप हमें ऑन ग्राउंड जब हम इम्प्लीमेंटेशन के उसमें देखते हैं, जिसके बारे में चित्तरंजन जी बात करेंगे, तो उसमें बहुत देखने को मिलता है कि पॉलिसी और प्रोग्राम कुछ और कह रहा है और कानून कुछ और कह रहा है, और उसकी वजह से जो द्वंद्व पैदा हो रहा है उसमें लोग पिस रहे हैं, उनके जो अधिकार हैं वो नहीं मिल रहे हैं। सो दैट इज अ वेरी बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का एरिया है बिटवीन पॉलिसी एंड लॉ। सिमिलरली ओनरशिप राइट्स, एफआरए में ओनरशिप राइट्स की बात कही गई है, पेसा में ओनरशिप राइट्स की बात कही गई है, लेकिन वन धन योजना जो है उसमें ओनरशिप की बात नहीं कही। उसमें द कम्युनिटी इज अ बेनिफिशियरी, जबकि कानून जो है उसको राइट होल्डर के तौर पे देखता है, जबकि एक पॉलिसी के तहत आया हुआ प्रोग्राम उसी समाज को, उसी इंडिविजुअल को एज अ बेनिफिशियरी देखता है। सो यू नो, सो वहां अगेन दैट गैप इमर्ज होता है। सिमिलरली एफआरए और पेसा दूसरे जो कानून है उसके साथ का कॉन्फ्लिक्ट बाहर आता है, कि जैसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो ब्रिटिश के टाइम का कानून है अभी भी वो हमारे फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसकी वजह से जो प्रोटेक्टेड एरियाज है यानी जो हमारे सेंचुरीज हैं नेशनल पार्क, उसमें एनटीएफपी का एक्सेस या तो कम हो जाता है या उसको रोक दिया जाता है या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरह से उसको रोक दिया जाता है। तो बहुत से उस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं स्पेशली प्रोटेक्टेड एरिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। तो ये एक और बहुत बड़ा गैप है पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन के तौर। और ये सभी जो गैप्स हैं वो कोई कोविड 19 की वजह से नहीं है, कोविड 19 की वजह से और ज्यादा एग्रेवेट हो जाएंगे ये गैप्स, ये पहले से चले आ रहे गैप्स हैं जो कोविड 19 के पैंडेमिक के सिचुएशन में और ज्यादा इसके ऊपर से और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स और ज्यादा गैप्स और ज्यादा नॉन इम्प्लीमेंटेशन हो जाने वाला है। कि अब जैसे प्रोक्योरमेंट सेंटर वन धन योजना में कहा गया है लेकिन कोविड की वजह से वो नहीं हो रहा है, सो एक एक्सक्यूज भी मिल जाता है एडमिनिस्ट्रेशन को वो नहीं करने का। सो द कोविड 19 पैंडेमिक
इन सभी गैप्स को और ज्यादा मल्टीप्लाई कर देने वाला है और ज्यादा वो उसका जो इफेक्ट है वो और ज्यादा हमें दिखाई देने वाला है. I think I've stopped here. ये प्रेजेंटेशन मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है. धन्यवाद कृष्णा जी. आपने ये जो पूरा एक होलिस्टिक पिक्चर दी है पूरे एनटीएफपी का, उसकी पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑल्सो, उसका सोशल इकोनॉमिकल कल्चरल जो एक पूरा पर्सपेक्टिव दिया, आई थिंक ये हम सब के लिए समझना बहुत जरूरी है. और उसके अलावा भी जो आपने ये बात कही बहुत महत्वपूर्ण है कि वेदर इट्स कोविड और नॉन कोविड, द गैप्स आर देयर एंड इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड. कोविड से सिचुएशन और एग्रेवेट हो गई है, बट ये गैप्स हमेशा से थे और हमें इस पे आगे काम करना है. तो थैंक यू कृष्ण जी, और हम और प्रश्नों के साथ आपके पास वापस आएंगे. नाउ एंथनी, आप हैं यहाँ पे? यस यस आई एम देयर. हाँ, आप कोई क्वेश्चन अभी अगर लेना चाहें एक मिनट के लिए, कृष्णा जी कोई क्वेश्चन तो नहीं है, पर दोनों लोग ने कुछ रिफ्लेक्शन दिया है, कुछ हार्ड कोर फील्ड का एक्सपीरियंस बताया है. जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर अमिताभ जो पार्टिसिपेंट है वो बता रहे हैं कि सुंदरबन एरिया जहाँ पे लार्ज सेक्शन ऑफ कम्युनिटी फॉरेस्ट में रहता है और जहाँ पे फॉरेस्ट राइट के बारे में भी लोग अवेयर नहीं है और एकमात्र फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो हनी है उसके ऊपर अपना जिंदगी गुजारते हैं, पर देयर इज नो स्ट्रक्चर्ड मार्केट फैसिलिटीज इन सुंदरबन. और एक जन बता रहे मिस्टर साहू हमारे आईजीएसएस से कि नो क्लियर गाइडलाइंस है एमएफपी का प्रोक्योरमेंट रिलेटेड गाइडलाइंस टू द स्टेट नोडल एजेंसीज सच एज ट्राइबल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशन या स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. ये गैप्स क्यों, माने इतने बड़े प्रकार के इतने लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जीडीपी का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, पर फिर भी ये इंडिफरेंस क्यों फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स के साथ, अगर आपका कुछ रिफ्लेक्शन इसमें. हेलो. हाँ हेलो कृष्णा जी. हाँ हाँ ओके. क्यों, एक्चुअली तो बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों है, लेकिन और आप जो ये दो रिफ्लेक्शंस या ये जो दो एक्सपीरियंसेस आए हैं दोनों सुंदरबन के और जो एमएसपी गाइडलाइंस को लेकर के, दे आर और भी देश के और भी इलाकों में इस तरह के एक्सपीरियंसेस सामने आते थे पैंडेमिक के पहले भी और मुझे लगता है आगे भी आएंगे. और इसका इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि फॉरेस्ट्री जो है वो बहुत ही कॉन्टेस्टेड स्पेस है. यानी अगर आप फॉरेस्ट्री जो पूरा एक सेक्टर है, एक तो जो डिपार्टमेंट उसे एडमिनिस्टर और मैनेज करता है, गवर्न करता है, दैट इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम. यानी वो डिपार्टमेंट जिस तरह से स्ट्रक्चर्ड है, उसका जो एटीट्यूड है, अगर आप, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अगर आप उनका जो जहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है उसके मैनुअल्स अगर हम उठा के देखें और अगर पढ़ने की कोशिश करें, तो उसमें अभी भी वो ब्रिटिश कालीन जो सोच है बहुत से चैप्टर्स में, बहुत से उनके फ्रेमवर्क्स में हमें अभी भी मिलती है. बहुत सी जगहों पे उन्होंने चेंज करने की कोशिश की है, लेकिन जिस तरह से उसका पूरा एटीट्यूड है वो बहुत बड़ा कारण है कि दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जो एमएसपी का जो पूरा स्कीम है या पॉलिसी है वो ट्राइबल डिपार्टमेंट का है या ट्राइबल मिनिस्ट्री का है, जो ट्राइफेड के थ्रू गवर्न होता है, ट्राइफेड के थ्रू वो एडमिनिस्टर होता है. लेकिन फॉरेस्ट्री जो रिसोर्सेज हैं, तो फॉरेस्ट्री रिसोर्सेज का मेन गवर्निंग डिपार्टमेंट और अथॉरिटी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. So there is a huge gap, what you are saying. Huge gap between the coordination between different departments. और दूसरा क्या है कि ये gap forest department बहुत जगहों पे हमें experience होता है कि जानबूझ के रखना चाहता है, क्योंकि वो control, वो जो forest का जो control है वो लोगों को नहीं देना चाहता है, ना ही tribal department या rural development department
तो देना चाहे, इट वांट्स टू कीप द कंट्रोल विद इटसेल्फ. थैंक यू कृष्णा जी. शायद आपका ये रिफ्लेक्शन अच्छा रहेगा और वी विल कम बैक अगेन टू यू ऑन हैविंग अ डिजिटल रिफ्लेक्शन ऑन दैट. यस शिखा, हैंडिंग ओवर टू यू. थैंक यू एंथनी. अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे नेक्स्ट एक्सपर्ट को पैनल में, मिस्टर चित्रंजन पानी जी. ये इनके पास करीब 12 साल से ऊपर का अनुभव है इस क्षेत्र में काम करने का. ये कोऑर्डिनेटर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस सब ग्रुप इंडिया हैं और साथ में ये वसुंधरा एनजीओ में लाइवलीहुड के टीम लीडर भी हैं. तो चित्रंजन पानी जी, आपका स्वागत है. और अगर आप थोड़ा सा प्रकाश डाल सके कि अभी क्या इमीडिएट और फ्यूचर नीड है जिस पे हम लोग को काम करना चाहिए एनटीएफपी कलेक्टर्स के लिए, तो आइए हम सब लोग सुनते हैं चित्रंजन पानी जी. या थैंक यू. आई थिंक मेरा आवाज सभी को सुनाई दे रहा है. यस. या थैंक यू. सो आई एम सॉरी, एक्चुअली आई एम नॉट प्रॉपरली स्पीक इन हिंदी, सो आई विल ट्राई टू यूज बोथ बाइलिंगुअल लैंग्वेज, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, सो प्लीज फॉरगिव मी. एंड आई वुड लाइक टू रियली थैंक्स अमर भाई एंड यू नो IJSS एंड अदर पैनलिस्ट लाइक कृष्णा भाई. It's good. This is a second round of discussion, and this is very crucial in terms of, you know, the situation we are facing, and we are not facing actually, the tribal and, you know, other traditional forest dwellers are facing. So my topic is about how to, you know, face the present situation and what best we can do for these, you know, section of people in the days to come, let's say with Corona, with COVID-19 or without COVID-19, but without COVID-19 is, you know, it's quite little difficult to say right now. So already Sukanya ji ne to bol diye hain jo presentation tha. Krishna bhai ne bhi policy jo hai NTFP ko leke ek central overview de diye hain. मैंने कुछ जो चैटिंग में कुछ मेरे जो लिखा हुआ था जो अनुभव है, इट्स नॉट एकेडमिक वन, इट्स प्योरली बेस्ड ऑन द यू नो फाइंडिंग दैट आई कैप्चर्ड फ्रॉम द ग्राउंड लेवल दैट आई हैव हाइलाइटेड. मेनी ऑफ दिस हैव ऑलरेडी बीन एड्रेस्ड, बट मेनी थिंग्स टिल देन नीड टू बी डन. सो अभी अगर आप देखेंगे तो हम अभी मिड ऑफ जून में हैं एंड ऑलरेडी मानसून आ गया है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं? बिकॉज अनफॉर्चुनेटली ये जो लॉकडाउन जो COVID-19 हुआ है, ये पीक हार्वेस्टिंग टाइम जो होता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, उसी टाइम में ये हुआ है. और जो लॉकडाउन हुआ उसी के वजह से सारे वीकली मार्केट्स, ट्रांसपोर्टेशन, मोबिलिटी, एवरीथिंग वॉज हॉल्टेड. तो MEP जो भी कलेक्ट करते हैं प्राइमरी गैदरर्स, दे नीड इंस्टेंट मनी. ये लॉकडाउन जो हो गया, वीकली मार्केट बंद हो गया, रोड साइड ढाबाज बंद हो गया, फेस्टिवल सेलिब्रेट करना बंद हो गया, तो ये लोग अगर कलेक्शन करेंगे तो बेचेंगे कहाँ पे? व्हाट डू दे विल सेल? दैट वाज द बिगेस्ट यू नो क्वेश्चन मार्क. बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली यू कैन से जो भी, देर आर टू स्कीम्स, वन इज MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर दिस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और उसका एक हाइब्रिड है, उसमें कुछ ये नहीं है ये जो बंधन विकास केंद्र है. एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई थिंक मोदी गवर्नमेंट जो अभी बंधन विकास केंद्र का जो आइडिया लेके आए हैं वो 2018 से लेके आए हैं. वी आर रनिंग राइट नाउ मिड ऑफ 2020, बट इफ यू विल सी द प्रोग्रेस एंड इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस ऑफ दिस बंधन विकास केंद्र, देन इट इज क्वाइट डिसहार्टनिंग. For example, in Odisha, 156 Bandhan Vikas Kendra has to be set up. In Chhattisgarh, 136 Bandhan Kendra has to be set up, but it's only in pen and paper. Each passing day, you will get a news article from, you know, tripod managing director, ki Bandhan Kendra how actually providing livelihood support to all these tribal and other forest dwelling communities in this pandemic COVID-19, but that is not the reality. If you will see this implementation status of the minimum support price, right now already 73 items
few are of course agricultural producers looking to the northeast region production of some agricultural producers. They have revised. But as you already Sukanya ji, out of 4 or 5% they have carried out that study, they know about this MSP scheme. So many people actually do not know what is MSP scheme, what are the price. So local, traders and middlemen, they have got this ample opportunity to exploit all these people. In Odisha, in Chhattisgarh particularly, and in parts of Maharashtra also, we have tried to actually sensitize people. But that was not optimum to actually tell the claim that ki nahi logo ko MSP mila hai. For example, if you will see the Trifed figure, Trifed is claiming ki 50 crore ka un logo ne procurement kiya hai in 17 states. And due to their procurement, Trifed agency jo hai wo 700 crore ka procurement kiya hai, jo ki it's quite not possible to believe ki 50 crore government procurement kar raha hai through its state procurement agencies. Whereas private players are coming, because private players, they never will agree to pay you MSP. For example, take the case of Salseed. It minimum support price is 20 rupees, but in Odisha and Jharkhand, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, no trader is willing to pay more than 10 rupees. Even 5 rupees, 6 rupees is too much for them to pay. So this is the thing. So at present situation, what best we can do? We have to actually engage with the state procurement agency and particularly with Trifed, Ministry of Tribal Affairs, and the respective state level ST and SC development department to not stop this MSP procurement for a minor forest produce, and particularly this salseed and of course these leaflets, your sal leaf and this CRE leaves one. Because as I said, these are the most vulnerable communities, they got affected with all this. In Odisha, already we have got a letter from this managing director, TDCC, ki due to onset of monsoon and ending of this harvesting period of major NTFP, they are going to stop that. But we actually raised our voice ki you could not do that. Because once you do that, once you stop the procurement, the trader will come into picture and they will exploit. Oh, log khareendenge bhi nahi aur kya karenge? Primary gatherer or tribal log jo bhi hai, they are forced to actually go for distress sale. So one thing is very clear, what best we can do, we will create pressure to the state procurement agency. We will actually try to collect many such case studies across Jharkhand, Odisha, and Madhya Pradesh, ki why people are not getting the minimum support price. And it's actually not the liability, it's their rightful thing. Okay, they are the real owner of the forest, and this is one of their fundamental right to get the better price for this minor forest produce. So what we can do, we need to collect more evidence based case study that we can directly tweet to, of course, Narendra Modi, PMO office, then Arjun Munda, then Trifed, and the respective state procurement agency, so that they can be better accountable, and they will continue to go for collection of all these things. I'm just sharing you one of my presentation. I think how I will do that. Just 1 minute, sorry for the interruption. Aap log dekh pa rahe hain mera presentation? Ji, dikhai de raha hai. Okay, then fine. So, as I said,
जो इमीडिएट नीड्स है कि अभी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, बिकॉज देर इज नो मार्केट, देर इज नो आउटसाइड मार्केट. इफ देर इज ऑल्सो आउटसाइड मार्केट देन एक्चुअली ट्रेडर्स आर नॉट विलिंग टू पे. जितने भी ट्रेडर्स हैं वो जो भी MSP डिक्लार्ड है उसका वैल्यू देना नहीं चाहते हैं. तो अभी वी हैव द लास्ट कॉल एक्चुअली टू मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल. एंड हाउ वी कैन डू दैट, ऑलरेडी आई सेड कि वी नीड टू कलेक्ट मोर एविडेंस बेस्ड केस स्टडी एंड वी नीड टू शेयर इट. एंड दीज आर ऑल द लाइव केस स्टडीज एक्चुअली. सो आई थिंक कि द गवर्नमेंट विल बी एक्चुअली extend its procurement time and instruct all its state procurement agency to go for procurement. This is one thing. Second thing ki unlike your other livelihood program, government should focus ki NTFP as a major livelihood, you know, program for the tribal people, and it should be one of the flagship program just like your NRLM, NREGA and other livelihood activity that government is implementing. And third important thing ki aap maan lijiye ki state procurement agency is collecting tendulips, tendulips department is collecting tendulips, okay, but timely, you know, payment of money to all these primary gatherers and tribals, that is utmost you know important. Because humne Odisha mein dekha hai ki it takes six months 1 year like that. सो अभी अगर उनके पास पैसा नहीं आएगा तो उनका जो लाइवलीहुड कंडीशन है वो फिर से एक्चुअली डिस्टर्ब हो जाएगा. सो दिस इज वेरी अलार्मिंग सिचुएशन कि जो भी प्रोक्योरमेंट हो रहा है वो सालसीड हो, तेंदुपत्ता हो, टामरिंड हो और अदर जो भी हो रहा है, सो टाइमली पेमेंट ऑफ मनी एंड दैट टू देयर अकाउंट, दैट टू नॉट टू देयर अकाउंट, व्हाट एवर पॉसिबल मीन्स वो चाहिए. और जो बंधन विकास केंद्र है, जैसे मैंने बोला कि अराउंड 6000 के करीब इंडिया में होने वाला है, लेकिन 6000 हो चुका है पेन एंड पेपर में, लेकिन वो एक्चुअली ग्राउंड में हुआ नहीं है. सो ये एक मौका है कि कैसे हम स्टेट लेवल एजेंसी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करें, जो ट्राइबल इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ओडिशा की मैं बात बोल रहा हूँ, ट्राइफेड है, ट्राइफेड के रीजनल मैनेजर है, झारखंड की बात करेंगे तो झास्को लैंप है, देन छत्तीसगढ़ में CGMAP फेडरेशन है, तो उनके साथ बात करके, बिकॉज दे आर ऑल यू नो स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी टू सेट अप ऑल दिस बंधन विकास केंद्र. और एक इम्पोर्टेंट चीज है अभी, क्योंकि जो लॉकडाउन अनलॉक वन हो गया, मतलब हमको बहुत सारे रिलैक्सेशन मिल गया. पहले जो 500 कोरोना के केसेस आए थे, we were too conservative, even we were not coming outside from our home, but right now if you will see, it's more than 1.5 lakhs in India, and in Odisha also the rate is going on, and every other states also. So jitne sare stranded migrant laborers aaye the aur bhi gaon mein hai, sare SC ST student jahan pe pad rahe the tribal school mein, wo to band ho chuka hai, to abhi sab ghar mein return ho chuke hain. तो अभी द चांसेस ऑफ गेटिंग कंटेमिनेटेड विद दिस कोरोना वायरस वो मैक्सिमम है, बट अर्बन एरिया में टेस्टिंग नहीं हो रहा है, तो हाउ कैन यू थिंक दैट कि टेस्टिंग विल बी मोर एंड मोर इन यू नो रूरल एरिया एंड पर्टिकुलरली इन ट्राइबल एरियाज. सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी यू नो सीरियस मैटर वी नीड टू लुक एट कि हाउ ऑल दिस ट्राइबल पीपल विल नॉट गेट कंटेमिनेटेड विद दिस कोरोना वायरस. Because already community transmission is going to be started. Even the government is denying that ki community transmission abhi shuru nahi hua hai, but in fact ho raha hai. Agar ek baar tribal area mein ho gaya, toh that will not be under control. Second thing, ki Trifed Art of Living jo hai Bangalore mein, toh unke collaboration mein pure India mein jitne tribals hai, उनके लिए एक पैकेज का प्रोविजन किया है 1000 rupees का, जिसमें आपका राशन है, आपका PPE मटेरियल्स है. सो हाउ ट्राइफेड कैन बी रीच आउट टू एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट ऑल दिस पैकेज टू ट्राइबल पीपल. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यू नो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज दैट वी नीड टू डू कलेक्टिवली. दिस इज वन थिंग. सो आउट ऑफ दैट की अभी जो भी कलेक्शन चल रहा है, सॉरी 2-3 मिनट और है फिर उसके बाद. Okay, okay. I'm coming to my final slide.
सो द फ्यूचर नीड्स, जैसे मैंने बोला कि दिस इज ए लॉन्ग टर्म एक्चुअली यू नो एक्टिविटीज दैट वी नीड टू इन्वॉल्व, कि व्हाट वुड बी द एक्चुअल यू नो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म दैट एक्चुअली वी नीड डेवलप, फॉरगेट अबाउट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, keeping focus on the gender perspective also, and of course not equality and its equity. So that is one thing. Then this finding out an alternative market, because TDCC or the department dependent ho jayenge, so actually we will be more vulnerable. So how best we can tap with you know trader industries, export agencies. आपके कलकत्ता वेस्ट बंगाल में है सेफाक्सिल जो कि एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए काम करते हैं, सो ये बहुत ये है. देन जो जो मार्केट डिमांड है, नॉट यू नो एन नंबर ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बट फ्यू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जिसके वैल्यू चेन के ऊपर हमको काम करना, जहाँ पे प्राइमरी गैदरर्स वुड एक्चुअली इंटरवीन and they have their control in order to eliminate this middleman, and they can get better price on that capacity building. Then MSP kya hai, kya hai price, kya hai and of course this low cost technology. Narega hai, narega ko kaise hum minor infrastructure like drying yard, processing unit etc, so that at village and cluster level ye hum processing unit establish kar sakte hain, wahi pe employment opportunity ho sakta hai. Then jaise bandhan ka ho gaya, msp ka ho gaya, aur sare jitne bhi इंटर सेक्टोरल जो डिपार्टमेंट है लाइवलीहुड प्रमोशन के लिए इंडिजिनियस कम्युनिटीज के लिए, तो वो सब कैसे एक साथ आए और फर्स्ट बेस्ट लाइवलीहुड को कैसे प्रायोरिटी के साथ काम कर सकते हैं. तो आई थिंक दिस विल बी वन ऑफ आवर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव टू डील विद दिस एनटीएफपी इशू एंड टू प्रोवाइड फेयर प्राइस टू द ट्राइबल एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज. सो आई एम रेस्टिंग sorry due to time constraint actually, anyway it's fine. So please I will love to take any question if related to my presentation. धन्यवाद चित्रंजन जी, आपने बड़े अच्छे से पूरा एक आगे हम कैसे काम करना चाहिए, जो existing gaps हैं उनके लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्या advocacy points होंगे, क्या collaboration point होंगे, government के लिए कैसे सब डिपार्टमेंट में आपस में समन्वय बनाकर कैसे काम कर सकते हैं, इन सब पे जो आपने पॉइंट्स रखे थैंक यू सो मच उसके लिए. और हम जो क्वेश्चंस है वो एक क्वेश्चन अभी हम एंथनी अगर आप दे सकते हैं अभी, उसके बाद हम अमर के पास जाएंगे. चित्रन जी एक क्वेश्चन है जो पूछ रहे हैं कि दिस टाइम स्टोरेज फैसिलिटी टैमरिंड के लिए नहीं था कोविड के समय, तो डू यू थिंक वन धन सेंटर और पंचायत भवन कुड हैव बीन यूज्ड एज अ स्टोरेज फैसिलिटी, इज वन ऑफ द क्वेश्चन. या ऑफ कोर्स बंधन केंद्रों के अंदर हम एक्चुअली बंधन केंद्रों का जो आइडिया है वो आपका हाट बाजार लेवल पे ही सेटअप होना चाहिए, सो दैट कि जो भी प्रोक्योरमेंट होगा तो नियर बाय जो गोडाउन अवेलेबल होगा, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या रेंटेड हो. तो रेंटेड इज नॉट एक्चुअली यू नो डिजायरेबल, बट वही दैट इज द मेजर प्रॉब्लम कि एवरी पॉलिसी और स्कीम जो भी आ रहा है वो नीचे जो इम्प्लीमेंट कर रहा है जो गवर्नमेंट का जो ऑफिसर है उसको पता नहीं है. सो हाँ अवेयरनेस लेवल तो बिल्कुल ही नहीं है. जैसे मैंने बोला कि 6000 बंधन विकास केंद्र, ओडिशा में 156, छत्तीसगढ़ में 139, बट रियली दैट इज नॉट हैपनिंग. सरकारी अफसर को ही जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है. और एक चीज है कि व्हाई द स्टेट इज एक्चुअली नॉट विलिंग टू कम फॉरवर्ड, बिकॉज जितने भी स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसी, जैसे कि कृष्णा जी बता रहे थे पहले मोनोपोली था, तो मोनोपोली में उन लोगों को फायदा होता था. अभी जब मार्केट ओपन हो गया
तो ये जो स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसी है दे आर नॉट इन ए पोजिशन टू कॉम्पीट विद द ओपन मार्केट. ओपन मार्केट दे कॉम्पीट कर सकते हैं लेकिन या थैंक यू चित्रंजन जी फॉर योर एक्सप्लेनिंग दैट. दैट्स अ गुड रिवीलेशन दैट सरकार के ऑफिसर लोग को ही पता नहीं है. थैंक यू. यस शिखा आई हैंड इट ओवर टू यू फॉर द नेक्स्ट स्पीकर. थैंक यू एंथनी. हमारे पास 15 मिनट और है तो उसमें एक छोटा सा आधे मिनट का वीडियो हम दिखाना चाहते हैं अभी. उसके बाद हम अमर के पास जाएंगे जो 5 मिनट में अपनी बात कम्युनिटी पर्सपेक्टिव रखेंगे और उसके बाद फिर अगर और कोई क्वेश्चन आएगा तो वो हम ले लेंगे. तो सुहेब क्या आप वो वीडियो दिखा सकते हैं प्लीज. चौधरी गांव विजय पाटी मैं ब्लॉक भिडीसी फेडरेशन संपादक अटे. आम भिडीसी तरफ़ जंगलजात द्रव्य बिकवा किणवाई आम विशेष पदक्षेप नहीं छु. केन्दुपत्र किणवा बिकवा फड़ीघर खुलवा एवं केन्दुपत्र के अधिका दिन के किणा बिका हवा तार डेट बढ़ावार पाई आम मो सरकार माध्यम रे टोल फ्री नंबर मन के फोन फान करूछु. प्रत्येक फड़ी घर ने साबुन पानी आर हाथ धोबा लगी जेन सानिटाइजर ये सब रखबार लगे आम सचेतन करूछु. आर 2 मीटर दूरिया ने रही करी आम केन्दुपत्र केन्दा करी किणे बिकी पारमु से उपरे आम सचेतन करूछु. सालो मंजी लिंबो मंजी चाहर मंजी जेन जंगल रु मिलुछे सेटा के केन्ता करी आम बिकी पारमु हेति लगी बेपारी मान के आम जोगाजोग करूछु. सहर गुड़ी करे बड़ बड़ बेपारी मान जिते बेले दुकान मान बंद कर दीछन से मन के आम केन्ता के कांटेक्ट रे आनी पारमु बोली करी चिंता के आम से लोग के केन्ता पारमु पाइमु बोली करी से मन के फोन फान भी करूछु. आरो आमर टीडीसीसी माध्यम रे आम जंगल विभाग एवं बड़ बड़ बेपारी मान के आम आम डाकी करी से मन के जोगाजोग करूछु फोन फान भी करूछु. अमर मैं आपको इनवाइट करती हूँ अगर आप 5 मिनट में अपनी बात के कम्युनिटी पर्सपेक्टिव से. एक हमने वीडियो में सुना वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे साथ में आप अगर कुछ और एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं हमसे. आप अमर आपको. सभी को नमस्कार. अभी जो वीडियो आप देखे थे ये भूपेन चौधरी का है वो हमारे बीच में है अभी हमारे ग्रुप में है तो वेलकम भूपेन भाई. मैं जो अभी जो बताना चाहता हूँ ये प्रैक्टिकल है कि मार्च महीना में जब लॉकडाउन शुरू हो गया उस पे थोड़ा 2 दिन के बाद हम बीडीसी का मेंबर और हमारा स्टाफ और कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट गवर्नमेंट लोग के साथ हमारा बातचीत हुआ है कि तो बढ़ेगा तो क्या करेंगे. तो एक सवाल आया कि हर एक पंचायत में मिल है राइस मिल है. सरकार ने हर एक पंचायत में राइस मिल करते हैं पेड़ी को भेजने के लिए बहुत सारे फैसिलिटी है एक सिस्टम है मगर एनटीएफपी के लिए क्यों नहीं है. और जो देखा जाएगा कि ओडिशा का बात हम बताना चाहते हैं कि 51,000 गांव है उनमें से 34,000 विलेज फॉरेस्ट फ्रेंच विलेज है जंगल के आसपास है. तो 22% ट्राइब्स और नॉन ट्राइब्स लोग जो रहते हैं वो क्या 10 किलो लेके पूरा शहर जाएंगे. सवाल यहाँ से उठा कि हम क्या करेंगे. तो एक क्यों हम नहीं एक कैंपेन शुरू करेंगे उसी हिसाब से. ये जो कल्ला मुंडा में कलाहांडी जिला का शुरू किए थे और संभव हम कुछ अचीव भी किए हैं और हमारे सामने बहुत सारे इश्यूज है क्योंकि ये जो सिचुएशन आगे बढ़ेगा और किसी को मालूम नहीं हो क्या होगा. और जब शुरू हुआ था दिखा गया कि ओडिशा में जो 81 एनटीएफपी है उनमें से 38 नंबर्स ऑफ एनटीएफपी ये पेंडेमिक सिचुएशन में हार्वेस्टिंग होता है. मतलब फेब्रुआरी से लेकर मई तक 38 एनटीएफपी हार्वेस्टिंग होता है और उनमें से वो 35,000 लगभग ज्यादा भी पैसा रोजगार होता है. आगे में चल ये सिचुएशन जाएगा और बढ़ेगा तो लोगों को 60,000 तक लोगों को लॉस होगा और वो कौन देगा. और ये जो सिस्टम तो पहले से ही फंक्शन नहीं हो रहा था प्रॉपरली अभी भी नहीं हो रहा है. बहुत सारे पॉलिसी है प्रैक्टिस है प्रोग्राम से स्कीम से मगर इंटीग्रेटेड अप्रोच में उसको नहीं दिखा गया है. इसीलिए तो फील्ड में दो कलाहांडी का जो बीडीसी मेंबर्स है जो 20 गांव का जो लोग है
तो उनमें से वो इकट्ठे होकर दो काम शुरू किए हैं। एक कि हर एक उसके विचार, उसके मन में विचार चलता है, उसके अंदर डिस्कशन करते हैं कि जो अभी जो प्रोडक्ट्स है, जो स्टॉक है और जो प्रोडक्शन होने वाला है, उसको कैसे मार्केटिंग किया जाएगा। दूसरा बात है कि सरकार 34,000 पे गांव में क्या होगा, कहां से लोग भेजेंगे, ये जो इश्यूज है। तो एक ही सॉल्यूशन है कि प्राइवेट ट्रेडर को दिया जाएगा, मगर प्राइवेट ट्रेडर जो कंटेनमेंट है ये बंद है, इसलिए वो ओपन नहीं किए हैं उसका दुकान और उसका प्रोडक्शन हाउस। तो अल्टीमेटली प्राइवेट ट्रेडर को रोज वो लोग फोन करते हैं और वो सफलता भी मिला है, क्योंकि केंदुपत्ता तो मार्केटिंग हो गया है गवर्नमेंट के, जो ओपन नहीं हुआ था हो गया, चिरंजीवी भी चला गया। अभी हमारे पास एक बड़ा सा सवाल है कि सालसिल को कैसे मार्केटिंग किया जाएगा, क्योंकि सालसिल भी ज्यादातर जो पेरिसेबल आइटम है फंगस हो जाएगा, वो मार्केट नहीं होगा। तो इसी तरीका से वो मूव करते हैं और वहां पे जो एक्शन लिए हैं, एक तो कैंपेन है, जो सिस्टम है कैसे उसको एक्टिवेट किया जाएगा, दूसरा है जो सिस्टम में नहीं है मगर उसको कुछ अल्टरनेटिवली देखना पड़ेगा, उसके हम ऊपर हम काम कर रहे हैं अभी लोगों के साथ मिलके। तो ये क्या है ये काम कि गवर्नमेंट ऑफिशियल, ट्रेडर और पीआरआई रिप्रेजेंटेटिव और वीडीसी का मेंबर और जो गैदरर के साथ कुल मिलके एवरी डे जो भी सिस्टम है उसको शुरू करना हम शुरू किए हैं कि हाट बाजार में वीकली मार्केट में कैसे ट्रेडर आएगा, गांव को कैसे ट्रेडर आएगा, और बिग ट्रेडर जहां से छोटा जो वेंडर मूवेबल ट्रेडर पैसा लेके मार्केटिंग कर रहे हैं उसके साथ अभी वो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, जैसे उपेन ने बताया था। और अमर जी, अमर आपके पास 2 मिनट और है, क्या आप थोड़ा सा ये बता सकते हैं, एक आपने अभी काला हांडी का शेयर किया कि कैसे वीडीसीज वहां पे विचार कर रहे हैं, किस तरह से काम हो सकता है, और कुछ हमारे जो पार्टनर्स कर रहे हैं उसमें से भी अगर आप कुछ एक दो एग्जांपल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वहां पे एक्चुअली 2 कैंपेन अभी चल रहा है ईस्ट में, हम शुरू ऑलरेडी किए हैं कि वीडीसी एक अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन है गांव में, वो व्हाट्सएप ग्रुप में जैसे कि गवर्नमेंट लोग, पीआरआई लोग और खुद वो चर्चा कर रहे हैं और उसका इशू को मार्केटिंग का क्या स्टॉक है, कैसे ट्रेडर को कॉन्टैक्ट किया जाएगा, कहाँ पे ट्रेडर नहीं आ रहा है और कहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्शन हटाया जाएगा, इसके लिए रेगुलर एडवोकेसी हो रहा है और उसका रिजल्ट भी अच्छा मिल रहा है। दूसरा बात है जो हम शुरू किए हैं कि जो सुपर स्ट्रॉन्ग पार्टनर है हमारा, क्योंकि ईस्ट में जहाँ भी हम काम चल रहा है वो पूरा फॉरेस्ट्री एरिया है, रिच एनटीएफपी एरिया है, ट्राइबल एरिया है, मगर मार्केटिंग का एक बड़ा इशू है क्योंकि किसी का पास इंफॉर्मेशन नहीं है कितना प्रोडक्शन हो रहा है और किसी का पास भी इंफॉर्मेशन है कहाँ वो मार्केटिंग करेंगे, क्योंकि ये तो एनटीएफपी तो ज्यादा न्यूट्रिशन फूड है, उसको खाने के बाद फिर भेजते हैं, मगर भेजने के लिए जो सरकारी स्ट्रक्चर है तो डिफंक्ट है। इसके लिए ऑलरेडी हम शुरू किए हैं उड़ीसा में कोरापुट, कंधमाल और बलांगीर कोस्टल एरिया को लेकर क्या एक असेसमेंट ऑलरेडी हम शुरू ऑलरेडी किए हैं और वहाँ पे क्या क्या प्रोडक्शन आ रहा है, कितना प्रोडक्शन है, मार्केटिंग के लिए क्या इशू है, प्रेजेंट स्ट्रक्चर अभी फंक्शन हो रहा है कि नहीं, ऑलरेडी असेसमेंट प्रोसेस में है, ये जल्दी से ही खत्म करके उसको हम अल्टरनेटिवली कैसे उसको एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल में दिखा जाएगा और बाई प्रोडक्ट कैसे डेवलप किया जाएगा उसके ऊपर हम काम करेंगे, उसके लिए ऑलरेडी हम शुरू किए हैं, प्रोसेस शुरू किए हैं। थैंक यू अमर, हाँ बहुत बढ़िया जो आपने बात बताई कि मतलब एक तो हमारे एडवोकेसी इश्यूज हैं जो हमें सरकार के साथ करने हैं, बट हम कम्युनिटी लेवल पे भी क्या काम कर सकते हैं, जैसे कि जो अभी गैप्स हैं और जो परेशानियां हो रही हैं उसको कैसे कम किया जा सकता है एक साथ मिलके। बहुत अच्छा लग रहा था आपसे सुन के कम्युनिटी के बारे में, बट समय अभी थोड़ा कम है और हमें एक दो प्रश्न और लेने हैं, बट आगे मौका मिलेगा तो आपसे जरूर सुनेंगे। तो धन्यवाद अमर जी, और मैं अभी एंथनी को बुलाना चाहती हूँ, अगर कुछ प्रश्न हो तो आप प्लीज पैनलिस्ट से पूछ सकते हैं, हमारे पास 5 मिनट और हैं। ओके, श्रीनिवासन जी आपसे ये पूछ रहा हूँ, एक व्यूअर पार्टिसिपेंट ने पूछा है, इज इट पॉसिबल टू कनेक्ट द फार्मर्स और द एनटीएफपी प्रोड्यूसर्स टू द मार्केट without the involvement of middlemen, kya aisa sambhav hai, ye successful hai? Yes, it is possible. Am I audible? Yes, you're audible. Please. Yeah, it is possible aur bahut se jagahon pe, yani bahut se states mein alag alag iske upar
काम हो रहा है काम किए हैं और आई एम श्योर चित्रंजन जी के भी पास बहुत से एग्जांपल्स होंगे कि यू नो हाउ दिस इज बीइंग डन फॉर एग्जांपल इन महाराष्ट्र बोथ एग्रीकल्चर एंड एनटीएफपीस को लेकर के देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स कि जहां कम्युनिटीज हैव गॉट टुगेदर ग्राम सभा फेडरेशंस बना रहे हैं और डायरेक्टली दे आर eliminating you know krishna ji kya aisa koi example hai ki ntfp producers ke fpo banaya hai farmer producer organization okay fpo ntfps ko lekar ke abhi tak main at least in maharashtra jahan main kaam karta hu wahan to maine I've not come across lekin maharashtra mein examples is tarah se hain ki gram sabha federations yani 8 10 15 20 80 you know like it kind of depends on the area ग्राम सभा अलग अलग ग्राम सभा मिल करके दे हैव फेडरेटेड देमसेल्व्स एंड एज सून एज दे हैव फेडरेटेड तो इतना बड़ा फॉरेस्ट का एरिया में से एनटीएफपीस कलेक्ट करके और स्पेशली तेंदू को लेकर के हुआ है केंदू लीव्स को लेकर के हुआ है ओके थैंक यू Yes, thank you. There are examples. Yeah, Krishna ji, आपसे और एक question है जो एक जन पूछ रहे हैं कि is there any organization working on rationalizing of policy and legal framework related to NTFP in India and particularly in Jharkhand? Jharkhand, I am not sure. Okay. But there are some individual like there are people in Odisha are working. There are groups like Vasundhara is one of them. Who have done a lot of work on rationalizing, you know, like different policies. In Maharashtra, mein, there are some organizations who are working on it. Okay. And so maybe, you think that there is a gap, there is an area where NGOs can work? Yes, absolutely. And wo bahut kaam karna zaruri hai. Aur especially jo field level practitioners hain, unka involvement hona bahut zaruri hai. Kyunki wahi se wo gaps pata chalenge. Exactly. Okay. On ground, what are the gaps? क्योंकि क्या होता है कि बहुत सी बार पॉलिसी या लीगल उसमें बहुत सी बार थियोरेटिकल हो जाता है जब तक एक प्रैक्टिशनर उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे बताएंगे नहीं कि क्या हो रहा है क्या होना चाहिए इस तरह से नहीं होना चाहिए दोज रैशनलाइजेशन नहीं हो पाएगा थैंक यू श्रीनिवासन जी चित्रंजन जी आपसे एक क्वेश्चन है एक पार्टिसिपेंट हमारे पूछ रहे हैं कि रेट ऑफ द साल सीट साल का जो सीड है वो इतना लो क्यों है क्या कारण हो सकता है इसका नहीं साल सीड इफ यू विल सी आप अगर देखेंगे तो पहले उसका प्राइस था बिफोर 2006 अराउंड 1 रुपीस 50 पैसा to 3 रुपीस द हाईएस्ट यू नो स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसी जो पे कर रहा था वो 2 रुपीस 75 पैसा सो इन 2006 पर केजी सो पर क्विंटल 75 रुपीस ओके सो 2006 में व्हेन इट वाज बिकेम डीनेशनलाइज्ड सो बिकेम ओपन मार्केट सो व्हेन मल्टीपल बायर्स केम इनटू द पिक्चर द प्राइस वाज वेंट अप टू 6 रुपीस टू 10 रुपीस मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो पहले 2014 में आया था तो 10 रुपीस था लेटर ऑन इट वाज रिवाइज्ड टू 12 रुपीस अभी 20 रुपीस है सो सालसीड का price as such is not low but okay. due to the policy of the policy related to procurement and jo sal seed ka hai jo export ko leke I am one of the consultant for the body shop honorary consultant not paid consultant okay I know ki actually we don't have any solvent extraction unit neither in Jharkhand in Odisha So we are merely depending upon Chhattisgarh. So, abhi 2017 में जो food safety and standard जो FSSAI है हमारा government of India का, तो sulfate up to 5% that can be used as a substitute for your cocoa butter equivalent. तो chocolate industry में हो सकता है, उसका जो DOC है, de-oiled cake, उसको आप powder industry में भी use कर सकते हैं। पर चित्रंजन जी एक क्वेश्चन है कि हमने ट्राइबल पीपल को सिर्फ कलेक्टर ही क्यों बना रखे हैं अब तक क्यों उनको वैल्यू चेन में या वैल्यू एडिशन में उनको अभी तक क्यों नहीं इन्वॉल्व कर पाए हम इतने सारे एनजीओ काम करें उनके साथ व्हाट इज द ड्रॉबैक सर दिस इज द मिलियन डॉलर क्वेश्चन ओके एंड इन अ स्ट्रेट यू नो एक उसका सीधे आंसर तो मैं नहीं दे पाऊंगा ऑनेस्टली सेइंग
एंड बिकॉज यू नो जैसे कि श्रीनिवासन जी बोल रहे थे कि 1927 में हमारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट था, 1988 में जब नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आया फॉर द फर्स्ट टाइम कि वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को वहाँ पे उन लोगों ने रिकॉग्नाइज किया. So, sir, actually, we are trying and look, this NTFP sector is, you know, we are in first generation in India. Okay. So, some other time I have done, you know, export study in LAC also. So, I can tell you the entire export gamut of all this NTFP. So, I think, I know it's a big discussion and we can have a separate discussion on this, Mr. Definitely. But thank you for your answer. Thank you. Thank you. Yes, Shikha, it's up to you now. Thank you. अभी हमारे पास समय अब और नहीं है, जबकि ये discussion एक बहुत interesting mode पे जा रहा था, जहाँ पे हम और practical issues पे discussion कर रहे थे. But next time जरूर हम लोग अब इसको आगे बढ़ाते हुए और practical issues और examples को discuss करेंगे. इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ. कृष्णा जी, आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव दिया एनटीएफपी के लिए वो बहुत यूजफुल है. चित्रंजन जी, जो आपने प्रैक्टिकल बातें बताई कि और एक कुछ ठोस सुझाव दिए कि आगे हम और क्या कर सकते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अमर, आपने जो पूरा पर्सपेक्टिव एक कम्युनिटी का दिया, कुछ एग्जाम्पल्स शेयर किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. सुकन्या, जो आपने स्टडी शेयर की सबके साथ में, और उसके ऊपर जो है जो उसमें रिकमेंडेशन निकल के आए वो शेयर किया, उसके लिए आपका धन्यवाद. एंथनी, थैंक यू फॉर टेकिंग अप द क्वेश्चन, और सारे जो आपके इंटरजेक्शन थे बीच में. पर्दे के पीछे सुहेब है यहाँ पे, सुहेब और गुंजन, जिन्होंने पूरा टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद. और साथ में मैं सारे पार्टिसिपेंट्स का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने ध्यान से सारा डिस्कशन सुना और अपने क्वेश्चंस रेज किए. इसी के साथ मैं आप सब लोगों से आज्ञा चाहती हूँ, धन्यवाद, और हम लोग फिर मिलेंगे. धन्यवाद.